नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सावला और आप देख रहे हैं अभिषेक होम्योपैथी। तो फिर से मेरे एक नया फ्रेश वीडियो में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आप सभी ने इसका नाम सुन लिया रहेगा क्योंकि ये मोस्टली जब ये कोरोना वायरस आया था तो सब लोग बोल रहे थे कि इससे इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी जो हमारा वो बूस्ट होता है। बट आज मैं आपको एक्चुअली में बताऊँगा कि ये मेडिसिन किस किस चीज़ पर हमारे बॉडी के कौन सी चीज़ पर अफेक्ट करते हैं, कौन से लक्षण आने पे या कौन से बीमारी होने पे हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि फिर कभी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था आर्सेनिक एल्बम के बारे में। तो आर्सेनिक एल्बम को कॉमनली क्या बोला जाता है, तो उसे वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक भी कहा जाता है। ये जो मेडिसिन है वो किसने प्रूव की थी, डॉक्टर हनीमन ने इसे प्रूव की थी। और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो AS2O3 फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो अभी हम बात करते हैं स्पीयर ऑफ एक्शन का मतलब क्या। स्पीयर ऑफ एक्शन मतलब क्या कि ये हमारे बॉडी के कौन से हिस्सों पे असर करती है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी हिस्सों पे ये असर करती है, जैसे कि ब्रेन हो गया, नर्व हो गया, ब्लड से लिम्फेटिक हो गया, लीवर है, स्प्लीन है, हमारा पूरा GIT हो गया, एलिमेंट्री कैनल हो गया। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी हिस्सों पे ज़्यादा असर करती है। और साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि ये वेजिटेरियन लोगों पे ज़्यादा असर करती है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन लोग। नॉन वेज वाले जो रह गए उन पर असर करता है, बट ज़्यादा थोड़ा हल्का 50% ज़्यादा असर वेजिटेरियन पे करता है। तो अभी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या कि उनका लुक के कौन से लुक पे ये ज़्यादा असर करता है। तो फिज़िकल मेकअप में देखें तो जो लोग सब लीन थीन रहे, बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं, उन पे ये दवाई आर्सेनिक एल्बम बहुत ज़्यादा असर करती है। टेम्परामेंट देखें तो वेरी फास्टिडियस रहते, मतलब उन लोगों पे ज़्यादा ये दवाई असर करती है जो बहुत ज़्यादा फास्टिडियस है, बहुत नीट एंड क्लीन रहते, अपना घर बहुत साफ सुथरा रखते, उन लोगों पे ये ज़्यादा असर करती है। ये चिली पेशेंट रहते हैं, इनको ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। फिर डायस्थिसिस देखें तो इसका स्क्रोफुलस डायस्थिसिस होता है, मतलब क्या कि ये जो रेस्पिरेटरी के रिलेटेड रहते, खांसी और वो सब जो चीज़ रहती है, जो हमारे हवा की नली रहती है, उससे उनमें अगर बहुत ज़्यादा रिकरेंट डिजीज़ होती है तो उस पर उसके लिए ये बहुत ज़्यादा असर करती है। तो अभी गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो दवाई है आर्सेनिक एल्बम, वो कौन से लक्षण पे आने पे हमें ये दवाई देनी चाहिए। तो सबसे पहला तो लक्षण आर्सेनिक एल्बम का कैसा रहता है कि उसको बहुत अंदर से डर लगता है, फियर ऑफ डेथ, उसको मर जाने का, वो कैसे मरते हैं ना, मर जाने का डर रहता है। इस इनक्योरेबल, वो कैसे सोचता है कि मान लीजिए अगर उसको कोई बीमारी हुई है तो वो क्या सोचता है कि ये जो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो खांसी भी क्यों ना हो, अगर वो बीमारी उसको हुई है तो वो क्या सोचता है कि ये मेरे को खांसी भी मेरे को ठीक नहीं होने वाली, इसलिए मैं दवाई लेके मेरे को कुछ मतलब नहीं है, वो वैसा सोचते हैं। मेंटली रेस्टलेस रहते हैं। रेस्टलेसनेस में तीन दवाई आती है, एकोनाइट आती है, ये आर्सेनिक एल्बम आती है और रस्टॉक्स आती है। ये तीन दवाई होम्योपैथी में टॉप लिस्ट में आती है रेस्टलेसनेस के लिए। तो उसमें एक नाम है आर्सेनिक एल्बम का। आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट कैसा रहता है, एक तो वीक रहता है, पतला रहेगा, वीक रहता है तो भी, और रेस्टलेसनेस भी है, मतलब क्या कि वो एक जगह पर बैठा हुआ नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, चाहे उसको बुखार भी क्यों ना आए, वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। फिर देखा है तो बर्निंग पेन, ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस में जैसे आर्सेनिक आते हैं, वैसे ट्रायल्स ऑफ बर्नर में भी आर्सेनिक का नाम जुड़ा गया है। ट्रायल्स ऑफ बर्नर में सल्फर, फॉस्फोरस और आर्सेनिक आते हैं, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है अपने बॉडी में या अपने स्किन पे बहुत ज़्यादा जलन फील होती है। बट आर्सेनिक पेशेंट को कैसा रहेगा कि गले से नीचे से पैर तक, गले के नीचे के भाग से पूरे पैर तक उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है, और जो सिर वाला हिस्सा है वो चाहता है कि ये सिर वाला हिस्सा वो फ्रिज के अंदर रखे ताकि वो उस तब जाके उसको आराम मिलेगा, अगर उसको बहुत ज़्यादा बर्निंग फील हो रहा है तो। ग्रेट प्रोस्टेशन के बारे में बात करें तो ग्रेट प्रोस्टेशन मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा थकावट उसको फील होती है। जैसे मैंने बताया आपको कि वो लीन थीन रहेगा, पतला रहता है, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, थकावट होने के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ काम कर रहा ही रहेगा, एक जगह पे बैठा हुआ नहीं रहेगा, उसको बुखार भी आया रहेगा ना तो भी वो इधर से इधर, एक जगह से दूसरे जगह पे हिलेगा, एक जगह पे नहीं बैठते। फिर गैस्ट्रिक डीअरेंजमेंट, अगर कोई चीज़ हो गया जैसे कि जुलाब, दस्त बोलते, डायरिया बोलते हैं, अगर वो हो गया या वॉमिटिंग हो गया एक्सेट्रा, जैसे कौन से कारण से हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकता है, या स्पॉयल एग जो अंडे खा रहा है वो अगर बराबर ना हो, या फिश मीट हो गया, या डीके कुछ बासी खाने की वजह से अगर उसको दस्त हो गया या उल्टी हो रही है, तो इसके लिए भी
आर्सेनिक बहुत ज़्यादा असर करती है। फिर बात करते हैं कंप्लेंट रिटर्न पीरियोडिकली, मतलब समय समय पे उसका कैसा रहता है कि हर एक समय, मतलब स्पेसिफिक अगर अंदाजे बताओ आज हुआ, अगर आज बुखार आ रहा है तो दो दिन बाद तीसरे दिन वापस बुखार आएगा, तो पीरियोडिकली उसको गैप, स्पेसिफिक गैप के बीच में अगर ऐसा बुखार आ रहा है तो हम आर्सेनिक दे सकते हैं। फिर बात करते हैं थर्स, उसको प्यास कैसा लगता है, तो थर्स उसका कैसा है, छोटे अमाउंट में, बहुत ज़्यादा प्यास लगती रहेगी तो भी वो बहुत कम पानी पीता है और छोटे छोटे एक एक घंटे पे थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा। ऐसा नहीं कि अभी बहुत ज़्यादा पानी है तो एक साथ पी लेगा, प्यास लगे तो एक साथ नहीं पिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, वो भी छोटे छोटे इंटरवल पे, एक एक घंटे पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाते हैं। और ये पेशेंट कैसा रहता है कि बास, तो मतलब कि अगर कुछ खाना बन रहा है तो खाने की बास तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और खाना जहाँ बन रहा है वहाँ पर जाना उसको पसंद नहीं है, मतलब क्या, कैन नॉट बेयर द स्मेल और साइट ऑफ द फूड, मतलब उसको जो खाना बन रहा है वो भी, उसके जो खाने की जो बास आ रही है वो पसंद नहीं है, और साथ ही साथ जहाँ खाना बन रहा है वो भी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर बात करते हैं सिम्टम, ये जो मैंने लक्षण बताए वो मोस्टली कब होते हैं, अगर दोपहर के 12 से 2 के बीच में और रात के 12 से 2 के बीच में, मतलब मिड डे मिड नाइट, रात के 12 से 2 बजे तक या दोपहर के 12 से 2 बजे, अगर ये समय पे अगर उसको ये सब लक्षण आ रहे तो हमें आर्सेनिक एल्बम देना चाहिए। ये था उसके फिजिकल सिम्टम के बाहर से उसको कैसे कैसे लक्षण आते हैं। अंदर से अगर हम लक्षण देखें तो जैसे मैंने बताया कि आर्सेनिक का पेशेंट बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, मतलब रेस्टलेस एक जगह पे नहीं भी, फियर ऑफ डेथ, उसको ऐसा मरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि वो उसको लगता है कि मैं अभी मर जाऊँगा। उसको मैंने जैसे आपको बताया कि उसको कोई भी बीमारी हुई रहेगी तो वो क्या सोचता है, ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली है तो अभी दवाई लेके कुछ मतलब नहीं है तो मैं डॉक्टर को नहीं बुलाऊँगा, ऐसे भी मैं मरने वाला हूँ, वो वैसा सोचता है। फिर बात करते हैं तो क्या सोचता है कि वो, जैसे मैंने बताया कि फास्टिडियस पेशेंट है, वो अपना घर बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखते हैं, अगर कोई फ़ोटो फ्रेम रहेगी, फॉर एग्जांपल अगर फ़ोटो फ्रेम दीवार पे लटकी हुई है, अगर फ़ोटो फ्रेम दीवार पे लटकी हुई रहेगी, अगर हल्की सी भी फ़ोटो फ्रेम थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है तो उसको पसंद नहीं है, वो उसको सीधा करेगा, उसको अपना घर एकदम नीट क्लीन चाहिए, एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। उसका मतलब कि उन लोगों को क्या बोलते हैं, गोल्ड हेडेड केन पेशेंट बोला जाता है, जो कि ऐसा सब करते हैं, एकदम फास्टिडियस रहते, घर अपना साफ रखते। फिर बात करते तो जैसे एंग्शियस रहता है, फिजिकली टू वीक रहता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, उसको अकेले डार्कनेस पसंद नहीं है, मतलब कि अंधेरे में रहना पसंद नहीं है और अकेला रहना पसंद है। अकेला रहना पसंद मतलब क्यों, कि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल उसने कुछ किया नहीं रहेगा तो भी उसको क्या लगेगा कि अगर उसके कोई दोस्त लोग रहेंगे तो अभी उसको अकेला रहना पसंद है, वो अपने दोस्त लोग को भी नहीं बुलाएगा, क्यों, क्योंकि उसको क्या लगता है कि मैंने अपने दोस्त लोग को बहुत ज़्यादा डांटा है तो मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, क्यों डांटा है उसका कारण उसको नहीं पता रहता है, बट उसको अपने दोस्त को बुलाएगा ही नहीं, उसको अकेला रहना ही पसंद है। तो ये मेंटल सिम्टम थे, अगर एलिमेंट फॉर्म में देखे तो ये जो सिम्टम्स है, गाइडिंग सिम्टम्स और जो मेंटल सिम्टम्स है, वो कब ज़्यादा एग्रेवेट होते हैं, वो हमारे बॉडी में किस कारण की वजह से आते हैं, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इन ठंडी के सीज़न में हो सकता है, या आइसक्रीम खाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो पोटामाइन पॉइजनिंग, मतलब फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकता है, टबैको खाने की वजह से हो सकता है, अल्कोहल लेने की वजह से हो सकता है, या क्लाइंबिंग माउंटेन क्लाइंब करने की वजह से अगर ये सब लक्षण आ रहे हैं, या सी बाथिंग, समुंदर में नहाने जा रहे हैं तो उसके कारण भी अगर ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो हमें आर्सेनिक एल्बम देना चाहिए। तो ये था उसका गाइडिंग सिम्टम्स और माइंड। अभी हम बात करते हैं पर्टिकुलर के बारे में, तो पर्टिकुलर में सबसे पहले आता है हेडेक, सिरदर्द। सिरदर्द किस कारण से हो सकता है, ठंडी के कारण हो सकता है, या कुछ उसने खाया उसके कारण हो सकता है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, टोबैको की वजह से हो सकता है। आर्सेनिक एल्बम का सिरदर्द कैसा रहता है, पूरे सिर पे दुखता है पर मोस्टली ऑक्सीपुट वाले एरिया पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, उससे थ्रोबिंग टाइप पेन होता है, उसे लगता है कि उसका अभी सर पूरा फट जाएगा। और ये जो सिरदर्द है रात के समय जैसे 12 से 2 के बीच में बहुत ज़्यादा दुखता है, या दिन में 12 से 2 के बीच में कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखता है, अगर ऐसे टाइप का हेडेक है तो आपको आर्सेनिक लेना चाहिए। फिर दूसरा पर्टिकुलर जो मोस्टली आर्सेनिक वो हिस्से पे ज़्यादा काम करता है वो है हमारा GIT, हमारी जो खाने की नली रहती है उस पर आर्सेनिक एल्बम का बहुत ज़्यादा असर रहता है। तो खाने की नली में सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुँह से,
तो मुंह में इजी ब्लीडिंग गम, आराम से ब्लीडिंग आता है, गम्स में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आता है। ऑफेंसिव ब्रेथ, जो सांस ले रहे हैं वो सांस में भी बहुत ज़्यादा बास आ रहे हैं। हमारे जो लिप्स है, होठ है, वहाँ पे सोरनेस, पूरे होठ लाल हो जाते हैं और छाले पड़ जाते हैं, अल्सर्स हो जाता है। और कभी कभी जो हमारा खून रहता है वो भी ब्लडी बन जाता है, जो खून आ रहा है, खून मतलब क्या थूक रहता है हमारा, वो भी बहुत उसमें थोड़ा खून दिखना चालू हो जाता है। फिर टंग के बारे में बात करें, माउथ के बाद टंग, तो हमारी जीभ कैसी बन जाती है, तो कभी कभी ब्लैक कलर की हो जाएगी, ब्लैक ब्राउनिश, उसका थोड़ा कॉम्बिनेशन रहेगा, थोड़ा वाइट कोटिंग टंग बन जाती है, वाइट कोटिंग टंग। साथ ही साथ माउथ, एक तो माउथ सूखा रहेगा, माउथ सूखा होने के बावजूद भी वो बहुत कम पानी पीता है, तो उसकी टंग कैसे हो गई, ब्लैकिश ब्राउन, थोड़ी वाइट कोटेड टंग हो गई, और बीच में रेड स्ट्राइक्स लाइनिंग, बीच में लाल कलर की लाइनिंग आना चालू हो जाएगी, और जो टंग का साइड वाला हिस्सा रहता है पूरा, उस पर पेपिले थोड़े सूजन लाल कलर के दिखने चालू हो जाएगी, जो टंग के जो पूरा कॉर्नर का एरिया रहता है वो थोड़े लाल दिखने चालू हो जाएंगे। फिर बात करते हैं थ्रोट के बारे में, तो थ्रोट में भी अल्सर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और स्वेलिंग हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि पानी बिल्कुल नहीं पीता, अगर पानी बिल्कुल नहीं पिएगा तो ये उसका जो गला है पूरा सूख जाएगा, गला सूख जाएगा तो जब भी कुछ खाना खाने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो पानी नहीं पी रहा, तो खाना खाने के टाइम भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मतलब क्या डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा उधर पेन होता है। अब बात करते हैं स्टमक के बारे में, तो स्टमक में क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो खाने की जो स्मेल है या खाना जहाँ बन रहा है वो उनको उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर अगर जो खाना है वो अगर खाता है तो वो खाने में से बिल्कुल उसको टेस्ट नहीं आता है, खाने का टेस्ट नहीं आएगा। बर्निंग पेन एंड इंटेंस हीट इन द पेट ऑफ द स्टमक एंड प्रेशर, मतलब जब भी वो खाना खा लेगा तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है और पेट में प्रेशर जैसा फीलिंग होता है, ऐसा लगता है कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है पेट में, और स्पेसिफिकली रात को या दिन में कभी भी वो खाना खाने के बाद होता है। और कभी कभी कैसे हो जाता है कि कभी भी वो कुछ खाना खा रहा है तो जो भी खाना खाया है या थोड़ा सा भी पानी पिया वो पूरा बाहर निकाल देगा, मतलब नौशिया एंड वॉमिटिंग ऑफ फूड एंड वाटर। किस कारण से हो सकता है ये, मतलब स्टमक में जो लेयर रहती है, स्टमक की लेयर, उसमें सूजन आ गया रहेगा या इन्फ्लामेशन आ गया रहेगा, तो उसके कारण जो भी वो खाना खा रहा है वो पूरा उल्टी के द्वारा वो बाहर निकाल दे रहा है, और जो उल्टी कभी कभी ब्लैक कलर की हो सकती है या कभी कभी खून भी आ सकता है उल्टी में, और ये जो उल्टी आ रही है वो बहुत ज़्यादा स्मेली रहेगी, बास वाली उल्टी रहेगी, और ये जो है रात के समय और दिन के समय, जैसे मैंने स्पेसिफिकली बताया 12 से 2 के बीच में, रात के या 12 से 2 के बीच में दिन में ही होता है स्पेसिफिकली, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आर्सेनिक एल्बम देना चाहिए। फिर आगे बात करते कोलेरा, कोलेरा मतलब क्या कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए या फूड इन्फेक्शन के वजह से बहुत ज़्यादा जुलाब हो जाता है, दस्त हो रहा है तो हम उसे कोलेरा बोलते हैं। तो उसमें जुलाब में जो स्टूल आ रहा है, जो बाथरूम मल आ रहा है वो कैसा रहेगा, एकदम पानी जैसा रहेगा, राइस वाटरी स्टूल रहेगा, बहुत ज़्यादा बास आता रहेगा। जब हम मल निकालने जा रहे हैं तभी, मतलब जो लेटरिन करने का स्थान रहता है, जब हम लेटरिन पास करते हैं तभी और लेटरिन करने के बाद जो लेटरिन का स्थान रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन पेन होती है, जलन होता है और साथ ही साथ पेन भी बहुत होता है, हमें पेन भी उधर बहुत होता है। तो ये था कोलेरा। डायरिया के बारे में स्पेसिफिकली अभी मैं जुलाब के बारे में बात करूँ तो बहुत, जब भी वो जुलाब करने जा, मतलब कि जब भी वो लेटरिंग करने जाता है तो उसको बहुत अंदर से डर रहता है कि मैं मर ना जाऊँ, खाली स्पेसिफिकली जुलाब के टाइम जब वो लेटरिंग करने जाता है तो उसको अंदर से ऐसा डर लगता है कि मैं मर ना जाऊँ, ऐसा टाइप का डर आता है। और जो जुलाब रहता है वो बहुत ज़्यादा येल्लो कलर का आता है, जो मतलब कि जो उसका मल है या फिर हम जो लेटरिन पास कर रहे हैं वो एकदम पीला कलर का हो सकता है, ऑफेंसिव, बहुत बास आ रहा है, कभी कभी खून भी हो सकता है और पेन बहुत ज़्यादा होता है। फिर बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि सांस के जो हम सांस ले रहे हैं वो नली पे कहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले अस्थमा में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल किया गया है। अनेबल टू लाई डाउन, जब कभी कोई पेशेंट को अस्थमा हुआ है अगर वो सो रहा है तो उसको ये नहीं चलेगा, अगर वो सोने जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन होगा, सफोकेशन के साथ बैंड, अगर वो सफोकेशन हो रहा है तो उसको रिलीव कैसे करेगा वो, है ना, पेशेंट क्या करते आगे की तरफ झुक जाते हैं और उसके हाथ ऐसे ऐसे कर देगा, एबडक्ट कर देगा, इस अगर ऐसा करके ऐसा आगे झुकता है तो उसको बहुत अच्छा रिलीव होता है, तो उसको अस्थमा जो हुआ है वो आराम मिलता है अस्थमा में। और ये जो पेन है वो कहाँ पे होता है,
राइट अपर वन थर्ड ऑफ द अपर लोब, मतलब ये वाले राइट लोब देखे तो ये वाले हिस्से पे उसको जो दर्द होता है, और जब भी विस्लिंग साउंड उसके, जब भी वो रात को सोया हुआ रहेगा तो उसके मुंह में से सीटी बजती है। सीटी क्यों बजती है? क्योंकि जो उसकी सांस की जो हवा की नली रहती है वो सिकुड़ गई रहती है, सिकुड़ने की वजह से सीटी बाहर आती है। और जो बलगम आना चाहिए वो बलगम कैसा रहता है? स्केंटी रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है, फ्रोटी झाक वाला बलगम रहता है, बास आ रहा है और थोड़ा काला कलर का रहता है बलगम। तो अगर ऐसे टाइप के लक्षण आ रहे हैं अगर आपके रेस्पिरेटरी के रिलेटेड, तो हमें आर्सेनिक एल्बम देना चाहिए। अभी बात करते हैं CVS, हार्ट में क्या मदद कर सकते हैं आर्सेनिक एल्बम। तो अगर जो हमारा हार्ट है, दिल है, वो दिल में भी अपनी खून की नसें रहती, तो वो खून की नसें में अगर ब्लॉकेज हो जाते हैं, ठीक है, वो खून की नसें में अगर ब्लॉकेज होता है तो ब्लॉकेज के कारण ये जो हमारा हिस्सा रहता है लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा, इधर बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको हम बोलते हैं अंजाइना पेक्टोरिस। तो आर्सेनिक एल्बम अंजाइना पेक्टोरिस के लिए भी बहुत ज़्यादा असरदार है। इसका पेन कैसा रहता है? प्रीकॉर्डियल पेन मूविंग बैकवर्ड अलॉन्ग द ऑक्सीपुट एंड नेक, मतलब ये वाले एरिया पे और पीछे के साइड और गले वाले एरिया में, अगर ये वाले हिस्से में अगर पेन हो रहा है अंजाइना पेक्टोरिस के टाइम पे, तो हमें आर्सेनिक एल्बम लेना चाहिए। फिर बात करते हैं स्किन में कैसा रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर खुजाया, खुजाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, खुजली भी आ रही है, खुजली होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, तो उसमें हम आर्सेनिक एल्बम यूज़ कर सकते हैं। ये पुस्टिले हो गए, वेसिकल्स हो गए, कार्बंकल्स हो गए, बॉयल्स हो गए, उसमें आर्सेनिक एल्बम बहुत हद तक यूज़ किया जाता है। अभी इसका मेन देखते हैं फीवर। इसका इंटरमिटेंट टाइप का फीवर रहता है, मतलब क्या कि मलेरिया का फीवर हो या टाइफॉइड का फीवर हो, आर्सेनिक एल्बम दोनों में दिया जाता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकावट बहुत ज़्यादा है, सिर बहुत दर्द होता है, वर्टिको होता है, आप जब भी देखोगे मलेरिया का हो या टाइफॉइड, इसमें ये लक्षण आते ही है, थकावट हो, सिर दर्द हो, वर्टिको, थोड़े टाइम के लिए सिर दर्द होते हैं, फिर सिर दर्द चला जाता है, पहले कैसे रहेगा, ठंडी लगती है, फिर ठंडी चली जाती है, तो वैसे ही होते हैं। जब ठंडी लगती है तब प्यास नहीं लगती है, और जब गर्मी लगती है तब प्यास चाहिए रहती है। अगर वैसा टाइप का है तो हमें आर्सेनिक एल्बम देना चाहिए। और जब भी आपने नोटिस किया है मलेरिया और टाइफॉइड में कैसा रहता है कि जो बुखार है वो कैसे जाता है, बुखार आया फिर पसीने के द्वारा वो बाहर निकल गया, पसीने के साथ साथ जो बुखार के टाइम पेन हो रहा है वो भी चला जाता है, मतलब बुखार और पेन, एक बार पसीना आ गया उसके बाद चला जाएगा, मतलब वैसा टाइप का अगर आपको लक्षण आ रहा है तो आपको आर्सेनिक एल्बम देना चाहिए। जब पसीना आता है तब आपके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, और कभी कभी पसीने में से भी बास बहुत आना चालू हो जाते हैं। तो ये था इसका स्पेसिफिक यूज़ कि हमें आर्सेनिक एल्बम कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए, कि किस कारण यूज़ करना चाहिए, कौन से बॉडी के हमारे कौन से जगह पे इसका रोल है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो आर्सेनिक एल्बम के रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि फिर कभी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टिल देन गुड बाय।